हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डी के एस आई एस अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम 20 क्वेश्चन की श्रृंखला में आज के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दोस्तों आज हमने क्वेश्चन कुछ कम किया है, आज लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं। तो आइए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापा मार संघर्ष का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का आरंभ किया था। तो किसने छापामार संघर्ष का आरंभ किया था, जयप्रकाश नारायण। किसने शुरुआत किया था, जयप्रकाश नारायण, इसको आप लोग जेपी कहते हैं। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, किस क्षेत्र की थी, पटना की। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्रभावती देवी किसकी धर्मपत्नी है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आज़ादी के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में हड़ताल किस तारीख को हुई या कब हुई। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में हड़ताल कब हुई, तो कब हुई, 16 अगस्त 1946। कब हुई, 16 अगस्त 1946। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड के मरने वाले छात्रों की संख्या। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पटना सचिवालय कांड में, तो मैंने इसमें कोशिश किया है कितने छात्र और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने छात्रों की मौत हुई थी। तो कितने छात्रों की मौत हुई थी, 7। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन में। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, ये कविता की लाइन है, इसको किस महान शख्सियत की लाइन है। ये अभी हाल ही में उनका निधन हुआ था, अब बताइए किसकी कविता है ये। ये कविता किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी। किसकी कविता है ये, अटल बिहारी वाजपेयी। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। कौन है कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, दो लोग हैं, कौन है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। कौन है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2018 रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा है, तो भारत का स्थान यहाँ कौन सा है, 130वां। कौन सा स्थान है, 130वां। हमारा आज का नवा क्वेश्चन है कि जीएसटी लगने के बाद प्रत्यक्ष कर में, अप्रत्यक्ष कर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष कर में कितने प्रतिशत लोगों ने इस बार ज़्यादा आयकर भरा या कर दिया, कितने प्रतिशत लोगों ने दिया, लगभग 12.6% लोगों ने इस बार प्रत्यक्ष कर ज़्यादा भरा, ये याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर में बहुत सारे कर हैं, आयकर ही नहीं, ये याद रखिएगा। तो इसमें मैं माफ कीजिए, यहाँ आयकर की बात नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा हूँ। दसवां क्वेश्चन आज का है हमारा, हाल ही में हुए गौरी मिसाइल परीक्षण जो हुआ है वो किस देश से संबंधित है। हाल ही में जो गौरी मिसाइल परीक्षण हुआ है वो किस देश से संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है ये, पाकिस्तान। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ था।
तो किस अनुच्छेद के साथ हुआ था राज्य विधानसभा का गठन? आर्टिकल 170। यहां मैं गठन की बात कर रहा हूं, ये याद रखिएगा, यहां पे मैं गठन की बात कर रहा हूं, ये याद रखिएगा। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? संविधान में न्यूनतम और मैक्सिमम संख्या का प्रावधान है, तो किसी राज्य में न्यूनतम संख्या का प्रावधान कितना है किसी राज्य की विधानसभा का? 60। ठीक है, आज का 13वां क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, किया गया था? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962। कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962। आज का 14वां क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, ये बताना है। तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे दल हैं, तो कौन सी व्यवस्था यहाँ पे? बहुदलीय। आज का 15वां क्वेश्चन है कि भारत में ही, इसी से दलीय व्यवस्था संबंधित है ये क्वेश्चन, भारत में कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय हैसियत होने के बाद राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिलता है? माफ कीजिए, भारत में कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय हैसियत की पार्टी होने के बाद राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो कितनी? 4। कितनी है? 4। अभी हाल ही में एक पार्टी ने 4 राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त किया है, उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। आज का 16वां क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितनी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी? है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितनी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी? तो कितनी पार्टियों ने दिखाई थी? 14। कितनी पार्टी दिखाई थी? 14। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है साइंस से, संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? कौन सा है आप लोगों को पता होगा, बोलो होगा, बांस। बांस को हाल ही में भारत सरकार ने अपने बजट सत्र के दौरान बांस को घास से हटाकर पौधे की एक श्रेणी में रख दिया है। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, किसे वार्गिकी का जनक कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, किसे वार्गिकी का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लीनियस। किसे कहा जाता है? लीनियस। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, मनुष्यों के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन में किस विटामिन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? मनुष्यों के नेत्रों के संचालन में किस विटामिन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? तो आपको इसका आंसर बताना है, तो बताइए, मैं आपको 5 सेकंड का मौका देता हूं, बताइए। विटामिन ए की किससे आवश्यकता होती है? विटामिन ए की। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ का नाम क्या है? बताइए, जल्दी बताइए, आपको हम 5 सेकंड का मौका और देते हैं, जल्दी बताइए। चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, किसका होता है? हेपरिन। ये साइंस के नाम है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ का जो नाम है उसका नाम क्या होता है? हेपरिन, याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, देखिएगा इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है दोस्तों।
और कोशिश करूंगा मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने की, जिससे आपको बीपीएससी में मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।